सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सेट्स का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, मतलब अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था इसके पहले वीडियो में कि सेट्स क्या होता है, या रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। सेट्स किसको बोलते हैं? अगर कोई चीज वेल डिफाइंड चीजों का कलेक्शन को दिखाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं। सो बेसिकली सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, और इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको लिखने के दो तरीके हैं, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। यहां तक जो है हमने चीजें डिस्कस कर ली थी। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट में जो है पहला है हमारे पास एम्प्टी सेट। इसी का दूसरा नाम होता है, एम्प्टी सेट का दूसरा नाम है नल सेट। ठीक है, इसका नाम याद रखना, नल सेट बोले चाहे एम्प्टी सेट बोले, दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं? एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, एक सेट दिया है ए, That is X is such that X is a student of class 11 presently studying in school. मतलब ये जो है एक बोल रहा है कि एक class 11th का एक student है, ठीक है, जो कि अभी presently इस school में क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और देखो, नीचे में एक और दिया होगा example, फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग। B करके दिया है, X is a student presently studying in both 10th and 11th. ऊपर वाले सेट में क्या बोल रहा था कि एक एक स्टूडेंट है जो कि क्लास 11th में है और वो अभी पढ़ रहा है, वो बिल्कुल सही था। लेकिन बी वाले को देखो, बी वाला क्या बोल रहा है कि एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि क्लास 10th और क्लास 11th दोनों में है। क्या ऐसा चीज पॉसिबल है कि कोई एक बच्चा क्लास 10th में भी हो और क्लास 11th में भी हो? नहीं पॉसिबल है। तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आता है वही क्या कहलाता है? एम्प्टी सेट या नल सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये सेट नंबर जो बी है, ये सेट नंबर बी क्या है? एक एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं हो सकता जो कि 10th में भी हो और 11th में भी हो। ठीक है, अच्छा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या दिया। देखो, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और द नल सेट, और इसका एक और नाम होता है वॉइड सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है क्या कहलाता है? एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट जो है कहलाता है। ठीक है, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स यहां पर दिए हुए हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ बॉयज इन गर्ल्स स्कूल, तो ये क्या है? एक एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है, क्योंकि गर्ल्स स्कूल में तो कोई बॉय हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स की बात हो रही है ना, टीचर की बात नहीं हो रही है। तो उसी तरीके से नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ बॉयज स्कूल, ये भी हो सकता है एम्प्टी सेट है, क्योंकि बॉयज स्कूल में गर्ल्स स्टूडेंट्स तो नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट के एग्जाम्पल हैं। फिर नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। किसको फाइनाइट बोलते हैं और किसको इनफाइनाइट बोलते हैं? देखो बड़ा इजी है। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? देखो यहां पर दिया होगा हमारे पास, डेफिनेशन टू को देखते हैं। अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट अ डिफाइनाइट एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट। मतलब कोई एक ऐसा सेट जिस या तो वो खाली हो या उसके अंदर में कुछ डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मतलब 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, मतलब जिनको हम लोग गिन सकते हैं। बेसिकली सिंपल मीनिंग ये है, एक ऐसा सेट जो पूरा खाली हो या फिर उसके अंदर में जो भी एलिमेंट है अगर उसकी हम लोग गिनती कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा। और उसके बाद अगर इसके अलावा जो सेट बचा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट, इनफाइनाइट सेट्स जो है बोलेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज याद रखना, जो नल सेट होता है, नल सेट को हम लोग या तो सिंपल ऐसे फाई से डिनोट करते हैं, इस साइन का नाम होता है फाई, या फिर इसको सिंपली ऐसा कर्ली ब्रैकेट लगाकर खोल के छोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब कुछ नहीं लिखते इसके भीतर में। तो ये है नल सेट का रिप्रेजेंटेशन। आप कभी भी नल सेट को ऐसा नहीं दिखाओगे, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि ये फिर सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो या तो सेट्स को आप मतलब एम्प्टी सेट को सिर्फ ऐसी फाई लिख दो बिना ब्रैकेट लगाए, और अगर आप ब्रैकेट लगाना चाहते हो तो बिना ऐसे ब्रैकेट लगाए, जो है सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट लगाए ऐसा कर सकते हो, बीच में कोई एलिमेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके रिप्रेजेंटेशन में आपको ध्यान रखना है कि एम्प्टी सेट में जो है किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगला देखते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ सेट में फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल है कि कौन से सेट इसमें फाइनाइट है, कौन से सेट इनफाइनाइट है, आप आराम से इसको सॉल्व कर लेना। जो जो रोस्टर फॉर्म में दिया या सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है उसको देख लेना, उसके बाद उसके एलिमेंट को काउंट कर लेना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में, इक्वल सेट। दो सेट को इक्वल सेट हम लोग कब कहेंगे? ठीक है, ये भी बच्चा अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इसके बेसिस पर भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। दो सेट्स को आप
इक्वल सेट तभी बोल सकते हो जब देखो यहां पर आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, मतलब अगर सेट ए में तीन एलिमेंट हैं ए बी सी, तो जो सेट बी होगा उसमें भी तीन ही एलिमेंट होने चाहिए भैया, चार हो जाने से ये दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे। तो कोई दो सेट इक्वल तभी हो सकते हैं जब पहले सेट में जितने एलिमेंट हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी प्रेजेंट हो, साथ ही साथ उसके अलावा इसमें जो जो एलिमेंट हैं ए बी सी हैं तो इसमें भी ए बी और सी होना चाहिए, भले ही ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए और साथ ही साथ जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो एक सेट हमारे पास है 1 2 3 4, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं चार, अब बी में देखते हैं 1 2 3 4, इसमें भी 4, मतलब पहला कंडीशन ये पास हो गया। पहला कंडीशन क्या था कि जितने सेट ए में एलिमेंट है उतने सेट बी में एलिमेंट होने चाहिए थे, तो यहां पर तो है। अच्छा उसके बाद देखो कि क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में दिख रहे हैं, तो बिल्कुल दिख रहे हैं, 1 2 3 4 है, यहाँ भी 1 2 3 4 है, बस ऑर्डर क्या है अलग अलग है, समझ में आ गया। तो किसी भी सेट को आप इक्वल सेट तभी बोल सकते हो जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और दोनों के एलिमेंट आइडेंटिकल हो, मतलब एक दूसरे में प्रेजेंट, ठीक है। चलते हैं सीधे हम लोग अपने एक्सरसाइज पे, क्योंकि ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं हमको यहाँ से ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसको समझना है, इजी है। टाइप्स ऑफ सेट हमने पढ़ा, एम्प्टी सेट मतलब कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, फाइनाइट मतलब जिसके एलिमेंट्स को काउंटिंग कर सकते हैं, इनफाइनाइट मतलब जिसके अंदर के एलिमेंट्स की काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट के बाद हमने एक और चीज पढ़ा जिसका नाम क्या था, इक्वल सेट। दो सेट को आप इक्वल तभी बोल सकते हो जब वो दो कंडीशंस को पास करें, और वो दो कंडीशंस कौन से हैं, तो पहला है कि ए में जितने एलिमेंट है उतने बी में भी होने चाहिए, और दूसरा ए में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट किस में होने चाहिए, बी में प्रेजेंट होने चाहिए, भले उनके ऑर्डर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। मूव ऑन टू एक्सरसाइज 1.2, लेट अस से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल और फाइनाइट सेट, ठीक है, नल सेट मतलब इसमें से कुछ एग्जाम्पल हमको दिए हुए हैं, तीन चार क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और इन तीन चार क्वेश्चंस को पढ़ के हमको बताना है कि इसमें से कौन कौन से जो एग्जाम्पल हैं वो नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई टू, भैया क्या कोई ऑड नंबर टू से डिविजिबल होता है, नहीं होता, तो ये क्या है, नल सेट है, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि ऑड नंबर्स जो होते हैं वो ऑड नंबर्स कब कहलाते हैं, जब टू से डिविजिबल ही नहीं होते हैं, तभी तो उनका डेफिनेशन बना है ना ऑड नंबर करके, ठीक है। तो यहां पर कोई भी ऑड नंबर डिविजिबल बाय टू नहीं होता, दैट्स व्हाई ये एक एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। तो लिखो कि यस इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। चलते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, क्या ऐसे नंबर्स होते हैं जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, आंसर है हाँ, कौन होता है, टू। टू एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी और प्राइम भी है, मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो प्रेजेंट है ना, ठीक है, तो ये क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखो क्या बोल रहा है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब +1 2 3 4 5 से इंफिनिटी तक, और वो कैसा है, 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। क्या भैया मैथमेटिक्स में आज तक तुमने कभी ऐसा पढ़ा है कि कोई नंबर जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, बताओ भाई, 5 से छोटा मतलब 1 2 3 4, 7 से बड़ा मतलब 8 9 10, तो दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है क्या, कोई सेंस बैठ रहा है क्या, नहीं, तो ये क्या है, एक एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्योंकि कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, एक ही कंडीशन पे एक ही साथ नहीं हो सकते। चलो आगे बढ़ते हैं, वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस। अच्छा ये बोल रहा है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो क्या दोनों के बीच में वाई एक कॉमन पॉइंट हो सकता है, गलत है, ये भी गलत है, ये भी एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। क्यों एग्जाम्पल है, क्योंकि पैरेलल लाइन का डेफिनेशन क्या होता है, ऐसे दो लाइन जिनके बीच में कभी भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है, या वे दोनों एक दूसरे को इन्फिनिटी पर काटते हैं, ठीक है, तो पैरेलल लाइन में कोई कॉमन जगह जो है नहीं होता। हाँ अगर इंटरसेक्टिंग बोलता तो इंटरसेक्टिंग में कॉमन पॉइंट होते हैं, ठीक है, सो पैरेलल लाइन में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, दैट्स व्हाई लास्ट वाला क्वेश्चन भी क्या है, एक एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब पूछ रहा है कि कौन से सेट फाइनाइट है और कौन से सेट इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट मतलब मैंने बताया था जिसके अंदर के एलिमेंट की काउंटिंग की जा सकती है, और इनफाइनाइट मतलब जिसके अंदर के एलिमेंट की काउंटिंग नहीं की जा सकती। देखो अ सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर,
एक ईयर में 12 महीने होते हैं और 12 महीने को हम लोग काउंट कर सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसकी काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये किस में आएगा? ये फाइनाइट में आएगा, ठीक है। अब देखो सेकेंड वाला, 1, 2, 3, 3 के बाद डॉट 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 करके छोड़ दिया, मतलब कहां तक जा रहा है तुमको पता है क्या? नहीं पता है, तो ये क्या है? इनफाइनाइट है, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड, 1, 2, 3, बीच में डॉटेड है, टेंशन मत लेना, लेकिन 99 और 100 तो है, मतलब लास्ट एलिमेंट हमको पता तो है, भले बीच के छोड़ दिया इसने, तो ये क्या है? फाइनाइट है, क्योंकि इसके अंदर के एलिमेंट हम लोग काउंट कर सकते हैं, भले बीच का लिखा नहीं है लेकिन लास्ट हमको पता है, जबकि इसके ऊपर वाले में हमको लास्ट पता ही नहीं था, दैट्स व्हाई ये इनफाइनाइट हुआ और ये फाइनाइट हुआ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े सारे पॉजिटिव इंटीजर, क्या काउंटिंग कर पाना पॉसिबल है? क्योंकि बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हो सकते हैं जो कि 100 से बड़े हों, तो ये फाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट है, ठीक है। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से कम वो सारे नंबर जो कि प्राइम नंबर हो, काउंटिंग करना पॉसिबल है? बिल्कुल है, जितने प्राइम नंबर आएंगे सबकी काउंटिंग कर सकते हैं हम लोग, तो ये क्या है? एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट, सेम क्वेश्चन है, फाइनाइट है कि नहीं फाइनाइट है आपको बताना है। द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब ये बोल रहा है कि अगर ये एक्स एक्सिस है और अगर ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी सारी लाइनें खींची जा सकती है भैया? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइनें खींची जा सकती है और इसकी काउंटिंग करना भी पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट वाला क्या है? इनफाइनाइट है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी लाइनें खींची जा सकती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश के अल्फाबेट में बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कितने लेटर होते हैं? 26 जो है अल्फाबेट जो है होते हैं उसमें, ठीक है। तो 26 जो है होते हैं, तो ये पता है, फिक्स है ये, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल तो बहुत सारे हो सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ हो सकते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट जो है वो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, इस अर्थ पर रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या उसकी काउंटिंग कर पाना पॉसिबल है? आंसर है नहीं। अभी तक हमको लगभग लगभग कितना पता है? 16 मिलियन जो है स्पेसीज के बारे में पता है, लेकिन इसके अलावा और भी तो एनिमल्स हो सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। अगला है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से पास होने वाले कितने सर्कल बन सकते हैं, मतलब जिनका सर्कल का सेंटर ओरिजिन हो, तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बन सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक इनफाइनाइट का जो है एग्जांपल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? देखो, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, मतलब ये बोल रहा है कि नीचे कुछ सेट्स दिए हुए हैं और उसमें से आपको पहचानना है कि कौन से दो सेट्स आपस में इक्वल हैं और कौन से नहीं है। तो मैंने आपको समझाया था कि दो सेट इक्वल तभी हो सकते हैं, कब हो सकते हैं भैया? जब जिसमें, मतलब ए वाले सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें होने चाहिए? बी में भी होने चाहिए, और ए के भीतर में जो जो एलिमेंट दिख रहे हैं वो सब एलिमेंट हमको बी में भी दिखने चाहिए, उनके आइडेंटिकल होने चाहिए, भले ही ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। देखो, एक सेट दिया है ए, ए में कितने एलिमेंट है? 4। इसमें कितने एलिमेंट है? 4। चलो पहला एग्जाम तो पास कर गया। सेकेंड देखते हैं, इसमें ए बी सी डी है, तो क्या इसमें ए बी सी डी है? ए है, बी है, सी है, डी है, बिल्कुल है, भले ही ऑर्डर अलग अलग है। तो लिखोगे फर्स्ट इज अ इक्वल सेट, ए इज इक्वल टू बी। सेकेंड देखते हैं, इसमें कितने एलिमेंट है? 4। इसमें कितने एलिमेंट है? 4। पहला एग्जाम पास कर गया। दूसरा देखते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 12 है, यहाँ 12 नहीं है, बात खत्म, ये इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि 12 यहाँ भी दिखना चाहिए था लेकिन नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, 2, 4, 6, 8, 10, ये रोस्टर फॉर्म में और ये सेट बिल्डर फॉर्म में। पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू 10, मतलब ये बोल रहा है कि 10 और 10 से छोटे जो भी इवन नंबर है, तो कौन कौन से इवन है? 2, 4, 6, 8 और 10 है, तो ये सेट और ये सेट देखो इक्वल है कि नहीं, सो ए इज इक्वल टू बी। उसके बाद अगला देखते हैं कि एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल्स मतलब 20, 30, 40, 50, 60, क्या इसमें मल्टीपल दिख रहे हैं? क्या 15 10 का मल्टीपल है? नहीं। क्या 25 मल्टीपल है? नहीं। तो यहाँ पर एक चीज तो ये हो गया कि इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, पहला एग्जाम तो पास कर गया, लेकिन दूसरे एग्जाम में यहाँ पर 20 आएगा जबकि यहाँ पर 20 है,
लेकिन यहाँ 15 है जो कि यहाँ 15 आता ही नहीं है, ये दोनों इक्वल सेट नहीं होंगे। ठीक है, रीजन क्या समझ में आ गया, क्योंकि 10 के मल्टीपल में 15 नहीं आता जबकि बी वाले में 15 हमको दे दिया था। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल गिव रीजन, क्या नीचे दिए गए सेट्स इक्वल हैं, तो आंसर बताना है आपको। पहला दिया रोस्टर फॉर्म में 2,3, दूसरा दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, इसका सॉल्यूशन हमको निकालना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो भैया, मिडिल टर्म स्प्लिट करने से किसमें स्प्लिट होगा, 2 और 3 में होगा, 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। उसके बाद जब कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, इतना तो पता हो गया, 10th पास कर चुके हो, पढ़ रहे के इक्वेशन पढ़ चुके हो गए। ठीक है, सो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, -2 और -3, तो इसमें -2 और -3 आ रहा है जबकि इसमें +2 और +3 आ रहा है, मतलब पहला वाला नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में दिए, तो दोनों को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, फॉलो में जो आने वाला जो लेटर है उसको रोस्टर फॉर्म में जब आप चेंज करोगे तो क्या क्या आएगा, एफ आएगा, फिर कॉमा ओ आएगा, फिर एल आएगा, एल तो दो बार है तो एक ही बार लिखेंगे हम लोग, फिर डब्ल्यू आएगा। ठीक है, उसके बाद वोल्फ, वोल्फ में कौन कौन आएंगे, डब्ल्यू आएगा, ओ आएगा, एल आएगा और एफ आएगा। तो देखो इसमें 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट, पहला एग्जाम पास कर गया। दूसरा इसमें एफ ओ एल डब्ल्यू है, यहाँ पर भी एफ ओ एल डब्ल्यू है, भले ही ऑर्डर अलग अलग है, तो सेकेंड वाला जो है वो इक्वल सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि लास्ट है इस एक्सरसाइज का और इस वीडियो का भी। देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। अब आपको बताना है भैया कि कौन से सेट इसमें इक्वल है, क्योंकि बहुत सारे दिए हुए ए बी सी डी ई एफ जी एच करके, अब बताना है आपको। तो दो कंडीशन होने चाहिए इक्वल सेट के लिए, पहला तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए और दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट आइडेंटिकल होने चाहिए। इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें तो 2 है, तो नीचे वालों के साथ इक्वल होना पॉसिबल नहीं है। पहला देखते हैं इसमें 2, 4, 8, 12 है, कहीं पर और है 2, 4, 8, 12 नहीं है, मतलब ए किसी के इक्वल नहीं है। अगर ए किसी के इक्वल नहीं है तो बी को देखते हैं 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 यस, तो B और D आपस में इक्वल हैं, तो एक तो हमको मिल गया इक्वल B और D। उसके बाद देखते हैं क्या और कुछ हो सकते हैं चार वाले में तो और कुछ नहीं हो सकते। ठीक है, देखते हैं, यहाँ -1 है प्लस 1 है, मतलब E और G भी क्या है, इक्वल है, भले ही ऑर्डर अलग अलग है। उसके बाद यहाँ 0, 1 है, यहाँ 0, a है, और कोई पेयर बन रहा है क्या, नहीं, तो सिर्फ यही दो सेट्स ऐसे हैं जैसे पेयर हैं जो कि आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा, अगर आपको प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो, ठीक है, उनको भी बताओ ताकि उन लोग भी अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कर सके, अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो, तब तक के लिए बाय बाय।